क्योंकि ये हमारा पहला स्टोर यहाँ पे है, एक्सपीरियंस सेंटर जम्मू में, और आप पता नहीं आप लोगों को कितना मालूम है एसर के बारे में, तो मे बी मैं दो मिनट आपके एसर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद स्पेसिफिकली स्टोर के बारे में और हमारे प्लान्स के बारे में। सो एसर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पायनियर है, हम कंपनी 10 ईयर्स ओल्ड हमने, लेकिन जो मार्केट में हमने लॉन्च किया था 2018 में लॉन्च किया था बैंगलोर में, आज हमारा ये 150th स्टोर है एंड इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर अस एंड आई वेरी डिलाइटेड एंड हैप्पी कि ये माइलस्टोन जो है यहाँ पे जम्मू में है विद विद एस्ट्रो ग्रुप। आई थिंक देर इज नोबडी इन ऑटोमोटिव हु अंडरस्टैंड्स दिस एरिया, दिस रीजन, दिस सिटी बेटर देन एस्ट्रो, एंड वी आर डिलाइटेड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। सो नाउ विद दिस वी आर 100 लोकेशन, 100 सिटीज़ हैं हमारी, ये 150th एक्सपीरियंस सेंटर है। हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, 450S, 450X, उसके 2 बैटरी ऑप्शन हैं, मैं आप स्पेसिफिकली बताऊँगा उसके बारे में। इसके अलावा हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बाहर 2 लगे हुए हैं, आप देखेंगे वो, ये फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, देर इज़ नोबडी हू कम्स क्लोज। हमारे 1500 अप्रॉक्सीमेटली लोकेशन ऑलरेडी हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 करीब हो जाएंगे। सो ये एक इतनी डेंसिटी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कंज्यूमर के लिए बड़ा वैल्यूबल है कि आप ये फास्ट चार्जिंग है, तो अगर आपने 10 मिनट चार्ज किया तो आपको 15 किलोमीटर 18 मिनट की रेंज मिल गई है। सो ये इतना डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का भी नहीं है इंडिया में। सो इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर एनीबडी हु बायज़ इनटू एथर टू हैव अ रेडीमेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो इज ग्रोइंग ऑन अ डेली बेसिस। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द प्रोडक्ट, जो आज हम प्रोडक्ट देखते हैं, जो चाहे हमारे देख लीजिए चाहे बाकी देख लीजिए, ये जो अभी जो चीज़ें लगता है कि नॉर्मल हो गई हैं, ये जो हमने ये 5 साल पहले लॉन्च किया था, ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड की फर्स्ट थी, नॉट जस्ट इंडिया। तो जो टच स्क्रीन डैशबोर्ड जो आज काफ़ी स्कूटर में आता है, जो हमने लॉन्च किया था, ये इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का पहला टच स्क्रीन डैशबोर्ड था इन अ 2-व्हीलर। नो वे इन द वर्ल्ड वॉज एनी टच स्क्रीन डैशबोर्ड। ओवर द ईयर अपडेट, जो आपके पास सबके पास ये कैमरा, ये स्मार्टफोन है, जो आपके पास ओवर द ईयर अपडेट आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, ओवर द ईयर अपडेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने शुरू किया था, किसी के पास मिलता है। और ये एक्चुअली अगर आप देखें ये ऑटोमोटिव का, ये ऑलमोस्ट उल्टा है जो पहले होता। पहले क्या होता था टिपिकल ऑटो में कि अगर नया फीचर कोई गाड़ी में आया है, स्कूटर है, बाइक है, गाड़ी जो भी है, तो आपको फीचर नहीं मिल सकता जब तक अपनी पुरानी गाड़ी ना बेचे, अगली गाड़ी ना ले। हमारी इसमें क्या है कि बिकॉज हमारे फीचर्स काफ़ी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, हम नए फीचर ऐड करते हैं उसी गाड़ी में। तो आप सोचिए कि जो जिसने गाड़ी 2 साल पहले ली थी उसके पास कोई फीचर होंगे, लेकिन हर 2, 4, 6 महीने बाद हमें एडिशन करते रहते हैं, नए फीचर ऐड करते रहते हैं। तो जो गाड़ी 2 साल पहले ली थी आज ज़्यादा फीचर है, ये कभी ऑटोमोटिव में हुआ ही नहीं कभी है। नॉर्मली आपकी वैल्यू गिरती है, फीचर कम होते हैं या फीचर बढ़ते हैं यहाँ पे। सो फंडामेंटली आइडिया ये है कि एक नया एक अप्रोच है ऑटोमोटिव में, और ये पायनियरिंग अप्रोच के कारण ही टुडे यू नो वी आर सीन एज अ पायनियर्स एंड लीडर्स इन दिस कैटेगरी। आवर प्रोडक्ट्स आर द बेंचमार्क्स फॉर द मार्केट। अब कभी भी आप देख लें, कभी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो रेफरेंस यही होता है कि ये एथर 450 के ऊपर है कि नीचे है कि जो भी है। सो इट हैज़ बिकम अ बेंचमार्क फॉर क्वालिटी, फॉर परफॉर्मेंस, फॉर रिलायबिलिटी, एंड नाउ वी होप टू गेट द सेम क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्सपीरियंस टू जम्मू। एंड आई थिंक वी गोइंग टू फाउंड अ बेटर पार्टनर दैन विक्रम जी एंड एस्ट्रो ग्रुप हियर। आई डोंट थिंक दिस एनीबडी अंडरस्टैंड दिस मार्केट बेटर दैन दे डू, राइट? एंड इफ हैड टू बी अ 150th स्टोर माइलस्टोन, we got to find a better partner. So thank you for partnering with us. It's our delight. Really happy to be part of the family, and I really look forward to see this market grow. From what I understand of the market, kal raat ko hum baat kar rahe the, Vikram ji se aap se baat kar rahe the, ki ye Jammu ek market hai jahan market to badi hai hi hai, aise bahut there enough market jahan pe scooter bahut bikte hain, two wheeler bahut bikte hain, lekin bahut market aise hai jahan pe log premium nahi bikte, यहाँ पे प्रीमियम स्कूटर बिकते हैं, प्रीमियम मोटरसाइकिल बिकती है, प्रीमियम कार बिकती है। सो इट्स अ मार्केट दैट अंडरस्टैंड्स वैल्यू, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ गुड प्रोडक्ट, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस मार्केट, एंड वी होप टू यू नो स्टार्ट विद अ बैंग हियर। लकीली टाइमिंग भी अच्छा है, फेस्टिवल आ रहा है, तो वी होप इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर ऑन वी कीप ग्रोइंग। सर्विस का कैसे रहेगा? सर्विस की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, मैक्सिमम जो स्कूटी पे लगती है स्कूटी सर्विस सेंटर की बड़ी प्रॉब्लम। कभी सर्विस आप आते हैं? एज वी आर लॉन्चिंग दिस एक्सपीरियंस सेंटर, सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर द लॉन्च ऑफ द सर्विस सेंटर।
सो सर्विस हमने पहले सोच करके, सर्विस के बगैर हमने एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च करने का सोचा ही नहीं. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड कमिटेड एज वी हैव बीन टोल्ड बाय अवर प्रिंसिपल्स कि सर्विस वी अंडरस्टैंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सो सेल्स वी कैनॉट ड्राइव अनलेस वी हैव अ गुड सर्विस बैकअप. सो वी अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली एंड वी आर सेटिंग अप द सर्विस सेंटर्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर. एक्चुअली मैं इसमें ऐड करता हूँ, मैं नॉट जस्ट सर्विस. सो नाउ दिस इज द 100th सिटी वी आर गोइंग टू, 101st मेबी. आवर अप्रोच इज दैट वी विल नेवर लॉन्च नेवर विदाउट अ सर्विस सेंटर एंड विदाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज इट इज़ आवर बिलीव कि आपने एक दुकान खोल दिया, आपने स्कूटर डाल दिया, तो दैट्स नॉट एंटरिंग अ मार्केट. यू ओनली एंटर अ मार्केट विद अ एंटायर पैकेज. सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अ ग्रेट एक्सपीरियंस सेंटर वेयर पीपल कैन टच इट, फील इट, टेक अ टेस्ट राइड, बैक बाय स्ट्रॉन्ग सर्विस सेंटर. सो ऑल थ्री विल बी एग्जिस्टिंग इन द एक्चुअली. ये पहाड़ी इलाके में के लिए आपको क्या चाहिए होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज नॉट टॉप स्पीड एक्सेलरेशन, वो चीज़ है. एक बेसिक टेक्निकल होता है टॉर्क, जितना और जिससे आते हैं वो अच्छा टेक्निकल टर्म ग्रेडेबिलिटी, कि आप कितने इंक्लाइन पे आप चढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमने स्कूटर जो लॉन्च किया था 5 साल पहले, तो हमने टेस्ट किया था कि यहाँ पे दो आदमी बैठ के, कहीं पे दो आदमी बैठ के आगे सिलेंडर रखे, बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी काम करते हैं, जस्ट टू टेस्ट द वेट. एंड वी वेंट टू द मोस्ट इंक्लाइन वी कुड फाइंड. साउथ में हैदराबाद में है, नॉर्थ ईस्ट में है. फिर हम लेके गए उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, जैसा मैं लेके गए. बिकॉज ईवी में क्या होता है कि दो चीज़ होती है, एक तो इंक्लाइन देखना आपको, दूसरा को टेम्परेचर देखना. अगर आपका स्कूटर अगर इंक्लाइन में काम ठीक से करता भी है, लेकिन अगर गर्म हो जाएगा, बैटरी गर्म होगी, तो वो फिर अपने आप परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है. तो हमने टेस्ट किया इसके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में और एक्सट्रीम इंक्लाइन में. तो अगर आप स्पेक देखें तो मेरे हिसाब से अभी कोई स्कूटर आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेडेबिलिटी, और ये हिली कंडीशन के लिए आइडियल है. विच इज़ वाई यू नो हम नॉर्थ ईस्ट गए, थोड़ी सी मांग रहे हैं, लेकिन तो बहुत बिकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही है, जैसे जम्मू कश्मीर है वैसा वहाँ पे है. सो ग्रेडेबिलिटी इनफैक्ट अगर जो भी यहाँ पे हैं, अगर टेस्ट फाइड है, आप चला के देखिए, वंस यू राइड इट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग.